हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से बच्चों को खुश करने के लिए लाए हैं उनकी फेवरेट मैंगो फ्रूटी की रेसिपी, जिसे बनाना तो बिल्कुल ही आसान है और बच्चों के लिए हेल्दी भी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 पके हुए आम, 1 कच्चा आम, 1 कप चीनी, नींबू या 1 चम्मच वाइट विनेगर और 1 लीटर पानी। सबसे पहले आम को अच्छी तरह से धोकर उसके छिलके उतारते हैं हम। छिलके उतारने के बाद उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। पके हुए आम कट कर रेडी हैं। इसी प्रकार हम कच्चे आम को भी काट के उनके भी छोटे टुकड़े कर लेंगे। फिर हम सबसे पहले पके हुए आम को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करेंगे। चाहे तो इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, जिससे वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा। फिर हम इसे निकाल के इसी तरह से कच्चे आम को भी थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। दोनों आम पीस कर रेडी हैं। अब हम पैन चढ़ाएंगे। और इसमें पहले हम पके हुए आम, फिर हम कच्चे आम, दोनों को डाल के मिक्स करके इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। फिर हम इसमें चीनी मिला देंगे। चीनी मिलाने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम 1 चम्मच नींबू का रस मिला रहे हैं। नींबू का रस हम इसलिए मिलाते हैं जिससे हम इसे थोड़े दिनों तक आसानी से रख सकें और ये ख़राब ना हो। अब हम इसे पहले तेज आंच पे, फिर धीमी आंच करके 10 मिनट तक ऐसे चलाते रहेंगे। जब इसका रंग थोड़ा थोड़ा सा चेंज होने लगेगा, देखिए अब हमारा रंग ये चेंज हो रहा है और किनारों पे हल्की पपड़ी सी लगने लगे, तो समझ लीजिए हमारा तैयार है। अब गैस को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसे छानेंगे। एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और इसे हम डालेंगे उसके ऊपर और छानेंगे। ये देखिए कैसे हमारा मिक्सचर छन रहा है। छानते हम इसलिए हैं जिससे इसके जो रेशे हैं वो हमारे फ्रूटी में ना जाए। ये एकदम बाजार जैसी फ्रूटी लगेगी फिर। और इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला देते हैं जिससे आसानी से हमारा छन्ने से छन जाएगा। अभी इसके बाद हम छानने के बाद इसमें बचा हुआ जो पानी है वो हम पूरा मिक्स कर देंगे और जो ये गूदा बचेगा वो हम हटा देंगे। जितना अच्छा पिसा रहेगा गूदा उतना ही कम निकलेगा। ये लीजिए, पानी मिलाकर हमने अपनी फ्रूटी को तैयार कर लिया है। ये देखिए एकदम बाजार जैसी फ्रूटी, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी। इसे अब हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद इसे हम सर्व करेंगे। ये लीजिए ठंडी फ्रूटी अब रेडी है। आप इसे अब बच्चों को दीजिए और उनके दोस्तों को। और इसमें कोई चीज़ हमने ऐसी नहीं मिलाई है जो बच्चों को नुकसान करेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।